आज के दिन हम सबके दिमाग में एक ही फिक्र है और वो है कि ये जो प्रदूषण की हालत है हमारे एरिया में, इसका हमारे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कितना डेंजरस है। तो हमें ये पता है कि उसके जो दो कंपोनेंट होते हैं पोल्यूशन के, एक तो पार्टिकुलेट मैटर है जो लंग्स के अंदर जाता है और उनको इरिटेट करता है, और दूसरा उसके साथ साथ जो गैसेस होती हैं सल्फर, नाइट्रस, कार्बन, वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं लंग्स के अंदर से ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड में जाके वो सारी बॉडी में सर्कुलेट होती है, इसीलिए लोगों को जब वो ब्रेन में जाती है तो जो मेनिंजीज है उसकी इरिटेशन होती है और उसकी वजह से लोगों को हेडेक्स हो रहे हैं। हमारे को फिक्र है हार्ट का, जो हमारे हम देख रहे हैं रोज़ के दिन कि जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि ये ब्लड इरिटेट करता है तो ये हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत तादाद में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर भी कर रहा है क्योंकि सारी बॉडी का वैस्कुलर सिस्टम इरिटेट हो जाता है। तीसरा, क्योंकि जिनको नहीं भी है हार्ट डिजीज़ उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि उनके हार्ट की आर्टरीज को ये इरिटेट कर रहा है, एंडोथेलियम डैमेज हो रहा है और शुरुआत हो रही है कि उनको हार्ट डिजीज़ होएगी आने वाले 5-10-20 साल में। सो इसीलिए किसी तरह भी हम इस नज़र से इसको देखें तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है बहुत बुरा इफेक्ट कर रही है हमारे ऊपर।